डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स। सर डिमेंशिया हा अल्झायमर डिसीज नाही, डिमेंशिया हा अल्झायमर डिसीज एक टाइप आहे सर. अल्झायमर हा डिमेंशियाचा टाइप आहे. हो अल्झायमर हा डिमेंशिया. चलो ठीक है, फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट. सिम्पटम वेयर इज सेकंड वाला एक डिसऑर्डर है. ओके, मींस आप ऐसे कह सकते हो डिमेंशिया एक भूलने की बीमारी है और अल्जाइमर उसमें से एक कैटेगरी है जिसमें आपके ब्रेन के न्यूरॉन डीजनरेट होते हैं जिसकी वजह से आपको डिमेंशिया हो रहा है. ठीक है, चलो तो एक छोटा सा रिकैप. पहले तो हमने देखा था न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिनेशन क्या होते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर, दीज आर द सिग्नल मॉलिक्यूल्स दैट आर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन. ओके, देन उसका क्लासिफिकेशन क्या था, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी एज वेल एज मिक्स्ड. एक्साइटेटरी में एग्जाम्पल क्या थे, ग्लूटामेट एंड एस्पार्टिक एसिड, बोथ आर अमीनो एसिड्स. देन इनहिबिटरी में क्या था, गाबा एंड ग्लाइसिन. एंड मिक्स्ड में क्या था, एड्रेनालिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन. तो ये थी हमारी इंट्रोडक्टरी स्लाइड अब व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स. ओके चलो, देन हमने डिस्कस किया था कि न्यूरोट्रांसमीटर का कुछ ना कुछ कनेक्शन आपके मेंटल हेल्थ से है, लेकिन वो कौन कौन से मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसकी वजह से आप बीमार होते हो. एक है डिप्रेशन, अल्जाइमर्स डिसीज, एंजाइटी, पार्किंसंस डिसीज, देन योर सिज़ोफ्रेनिया एंड मैनिक डिसऑर्डर. तो ये थी कुछ हेल्थ कंडीशन विच आर एसोसिएटेड विद योर मेंटल हेल्थ एंड उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन आपके न्यूरोट्रांसमीटर से है. ये हम पिछले 2-3 दिन से बात कर रहे हैं, लेकिन उसका डिटेल्ड हमने नहीं देखा है अभी एग्जैक्टली ये चीजें हो कैसे रही है. तो आज हम उसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं. तो हमारे ब्रेन पे कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर अटैक करते हैं. एक तो पहली चीज, सब इसेंशियल है. ओके, जब तक बैलेंस्ड है तब तक अच्छा है. बैलेंस हट गया आपके लिए बीमारी के लिए क्या कहेंगे, इन्विटेशन है. तो कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर इन्विटेशन क्रिएट करेंगे, डोपामाइन है, एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है एंड सेरोटोनिन है. ये मेन चार है जो आपके मेंटल हेल्थ को इम्बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है, तो हम कैसे जाएंगे, पहले तो देखेंगे प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, देन फंक्शंस इन योर बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू बिहेवियर एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एक्सेसिव एंड हाइपोसिक्रीशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोसिक्रीशन, मतलब वहां पे सिक्रीशन कम हो रहा है. एक्सेसिव का मीनिंग तो आपको पता है, ज्यादा हो रहा है. तो ड्रॉबैक्स को भी देखना जरूरी है. चलो, तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज द कोरिलेशनशिप बिटवीन डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन. राइट हैंड साइड को जो इमेज दिख रही है आपको, उसकी रिएक्शन पहले देख लो. पहली चीज फिनाइल एलेनिन, विच इज एरोमेटिक अमीनो एसिड, उस पे फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एक रिएक्शन कैरी आउट करता है जिससे कि बनता है टायरोसिन. ओके, देन टायरोसिन इज रिएक्टेड विद योर टायरोसिन ऑक्सीडेज, तो उसका कन्वर्जन हो जाता है एल-डोपा, दैट इज लियो-डोपा. फिर लियो-डोपा का कन्वर्जन होता है डोपामाइन में विद द हेल्प ऑफ योर एंजाइम एरोमेटिक एल अमीनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज. And then your dopamine is converted into norepinephrine with the help of enzyme dopamine beta hydroxylase. And जो norepinephrine है, उसका final conversion होता है epinephrine with the help of enzyme norepinephrine N-methyl transferase. मतलब एक ही reaction में आपको तीन neurotransmitter मिल रहे हैं. Okay? So that is the one of the important reaction pathway. और उसके जो enzymes हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं. If you are studying for GPAC, okay? तो थ्योरी के लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि ये न्यूरोट्रांसमीटर एग्जैक्टली कौन से अमीनो एसिड से कैसे सिंथेसाइज हो रहे हैं. फाइन, तो एक ही साइकिल में हमें तीन न्यूरोट्रांसमीटर मिल रहे हैं, लेकिन ये जो स्टेप्स हो रही है वो कहाँ पे हो रही है. स्टेप वन, कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलेनिन टू टायरोसिन कहाँ पे हो रही है, लिवर में. देन टायरोसिन टू एल-डोपा कहाँ पे हो रही है, एड्रेनर्जिक न्यूरोन में. एल-डोपा डोपामाइन कहाँ पे हो रही है, आपके न्यूरोनल वेसिकल्स में. आई थिंक इसमें दो जो स्टेप्स है वो एक ही सेक्शन में होने वाले हैं, वो मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा. एंड जो लास्ट वाली स्टेप है एड्रेनल मेडुला से, जहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन का कन्वर्जन एपिनेफ्रिन में होता है. तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, एल-डोपा, डोपामाइन एंड न्यूरो नॉरएपिनेफ्रिन, ये जो तीन चीजें हैं, पॉइंटर देख लो, एल-डोपा,
डोपामाइन एंड नॉरफिनेफ्रिन, ये तीनों चीजें आपकी आपके न्यूरॉन में होती है. ओके, एंड फाइनल कन्वर्जन ऑफ नॉरफिनेफ्रिन टू इफिनेफ्रिन आपके एड्रेनल मेडुला सेल में होता है. सो आपको अभी पता चला कि सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कहां पे हो रहा है, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स इसेंशियल है. तो ये थी आपकी पहली स्टेप. अभी हम सेकेंड स्टेप पे जाएंगे. तो पहले हम बात करेंगे डोपामाइन के बारे में. तो डोपामाइन का सिंथेसिस एग्जैक्टली स्टोरेज, सिंथेसिस तो हमने कर दिया है, लेकिन उसके बाद उसका स्टोरेज कहाँ पे होगा. तो उसका स्टोरेज साइट है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स विच आर लोकेटेड इन योर मिड ब्रेन. एंड मिड ब्रेन में भी एक सेक्शन है, उसको हम कहते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड वेंट्रल टेगमेंटल एरिया. अभी हम इमेज में देखते हैं. देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, सबस्टेंशिया नाइग्रा. कहाँ पे ये रीजन, यहाँ पे ये जो लाइट ब्लू कलर का आपको दिख रहा है इस, अभी ये जो पूरा लाइट ब्लू सेक्शन है इसके दो पार्ट है. एक है आपका वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, दूसरा है सबस्टेंशिया नाइग्रा. यहाँ पे पूरा आपका स्टोरेज होता है डोपामाइन का, और यहाँ से वो ट्रांसफर होता है आपके ऑल ओवर द ब्रेन पे. ऑल ओवर द ब्रेन माने कौन सा सेक्शन, योर फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया एंड योर स्ट्राइटम एरिया. तो यहाँ पे आपका डोपामाइन का सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से आपको अलग अलग फंक्शंस कैरी आउट होने के लिए मदद होती है. लेकिन सिंथेसिस हो गया, स्टोरेज साइट हो गई, लेकिन इसका फंक्शन है क्या, ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है, राइट. तो अब हम उसका फंक्शन देखेंगे. तो डोपामाइन आपको मदद करता है रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन. जैसे कि टेस्ट हो गई, आपको पता चला यस मेरे स्कोर तो अच्छे आ रहे हैं, मैं तो पढ़ाई अच्छा कर रहा हूँ. सो ऑब्वियसली आपको वहां पे एक मोटिवेशन मिल रहा है. अभी क्या हुआ, जैसे ही आपको आपके ब्रेन ने वो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर दी कि यस कुछ तो अच्छा हुआ है, तो वहां पे डोपामाइन का रिलीज हो गया. तो ऑब्वियसली आपका ब्रेन पूरी तरह से रिलैक्स हो गया, आपको रिवॉर्ड फंक्शन मिला. दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट. देन प्लेजर, कुछ खाने के बाद आपको अच्छा लगता है, जैसे कि आपको कुछ मिठाई पसंद है, कुछ खाना पर्टिकुलर, तो क्या कहेंगे, कुछ भी जो आपको पसंद है, अगर वो चीज आपके सामने आ जाती है तो आपको क्या लगता है, ये झट से मैं कब खा जाऊँ उसे. लेकिन खाने के बाद आपको क्या लगता है, ये सब हाँ आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड. दैट इज योर प्लेजर फंक्शन. अभी इसका भी कंट्रोल किसके हाथ में है, डोपामाइन के हाथ में. ये प्लेजर वाला जो फंक्शन है ना, अगले स्लाइड में डिटेल स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली होता कैसे है. देन योर मोटर फंक्शंस, आपने वीडियो में देखा है कि क्या हो रहा था वहां पे, कि जो पार्किंसन का सिम्टम था एग्जैक्टली, कि वो पर्सन चल नहीं पा रहा था, उसके हाथ ट्रिमर कर रहे थे, रिजिडिटी ट्रिमर, ब्रैडीकाइनेस की मूवमेंट हो रही थी. मतलब मोटर फंक्शंस माने क्या, जो फंक्शंस आप कंट्रोल कर पाते हो, जैसे कि वो पर्सन ऊपर चल रहा है, दैट इज योर मोटर फंक्शन, क्योंकि वो वॉलेंट्री फंक्शन है, खुद की इच्छा से कर रहा है. सो डोपामाइन हेल्प्स टू कंट्रोल योर मोटर फंक्शंस. एंड कंपल्शन, कंपल्शन माने क्या, एक एक्टिविटी जो विदाउट योर इनर मोटिवेशन आप रोज कर सकते हो, दैट इज योर कंपल्शन. सो ये है डोपामाइन के मेन फंक्शन. अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि आपका जो बिहेवियरल पैटर्न है और आपका रेगुलर रूटीन है, इसमें एक हेल्पर मॉलिक्यूल कौन है आपका, डोपामाइन. नाउ अगर डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा. एक तो हमने बात की थी पार्किंसन डिसीज के बारे में, जहां पे आपको चार सिम्टम्स मिले थे, वो तो ठीक है मोटर लेवल पे, ओके आपको समझ में आ चुके हैं, लेकिन एट साइकोलॉजिकल लेवल आपके साथ क्या हो सकता है. एक बार फंक्शन को हम फिर से देखेंगे, रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन, प्लेजर, मोटर फंक्शन, ठीक है उसको हटा दो, देन कंपल्शन. बट अभी डेफिशिएंसी हो गई तो आपके साथ क्या होगा, लो मोटिवेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लो एनर्जी एंड इनएबिलिटी टू फोकस मूविंग और स्पीकिंग मोर स्लोली देन यूजुअल, फीलिंग फटीग, फीलिंग डीमोटिवेटेड, फीलिंग इनएक्सप्लिसिबली सैड, फीलिंग होपलेस एंड हैविंग लो सेल्फ एस्टीम. मतलब आप खुद को एक नेगेटिव फीडबैक दोगे, मैं बुरा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं गधा हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं होती. सो ये सारी चीजें आप के साथ हो सकती है, क्योंकि आपके ब्रेन में अभी डोपामाइन की डेफिशिएंसी हो गई. तो ये है आपका साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप विद योर डोपामाइन. यहां तक किसी को कुछ कंफ्यूजन है रिगार्डिंग डोपामाइन डेफिशिएंसी, एनी डाउट्स? टॉपिक हेवी होने वाला है, आपके दिमाग पे बहुत सारा बर्डन आने वाला है जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे. सो What are the causes for dopamine deficiency? कि ये क्यों हो रहा है? तो पहली चीज Parkinson disease. It is caused by
लॉस ऑफ नर्व सेल्स इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड सब्सटेंशिया नाइग्रा। चलो पिछले साइड पे जाते हैं। क्या कहा था मैंने, आपका जो डोपामाइन का स्टोरेज साइट कहा है आपके सब्सटेंशिया नाइग्रा, तो वहां पे जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है उसमें आपका डोपामाइन स्टोर है। लेकिन ये अगर न्यूरॉन्स सारे डैमेज हो गए तो क्या होगा, ऑब्वियसली डोपामाइन की लेवल ब्रेन में कम हो जाएगी। अगर एक बार वो लेवल कम हो गई तो आपके साथ वो नेगेटिव रिवॉर्ड मैकेनिज्म स्टार्ट होगा। सो दैट्स व्हाई वन ऑफ द कॉजेज योर पार्किंसन डिजीज व्हिच इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ नर्व सेल्स इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड एज सब्सटेंशिया नाइग्रा। की पॉइंट फॉर योर जीपैट एग्जामिनेशन। चलो नेक्स्ट, डोपामाइन एक्ट्स एज अ मैसेंजर बिटवीन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अभी इसकी थ्योरी थोड़ी सी बता देता हूँ। डोपामाइन एक्ट्स एज अ मैसेंजर बिटवीन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम दैट हेल्प्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट। ये तो हमने देख लिया उसका मोटर फंक्शन है। सेकंड, इफ दीज नर्व सेल्स डाई और बिकम डैमेज द अमाउंट ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन इज रिड्यूस। ओके, ये तो बात हमें समझ में आ गई है कि अगर डोपामाइन के न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं तो ब्रेन में डोपामाइन के लेवल कम हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट, दिस मीन्स दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोलिंग मूवमेंट कैन नॉट वर्क एज वेल एज नॉर्मल एंड कॉजिंग मूवमेंट टू बी स्लो एंड एबनॉर्मल। सेम फंक्शन जो मोटार में हमने बात की थी कि वो पर्सन फास्ट मूविंग एक्टिविटी नहीं कर सकता, पूरी तरह से ब्रैडीकाइनेशिया मोशन में चला जाएगा। देन लॉस ऑफ नर्व सेल्स इज अ स्लो, अभी लास्ट की प्रोसेस देख लो, लॉस ऑफ नर्व सेल्स इज स्लो प्रोसेस। ऐसे नहीं कि एक दिन में न्यूरॉन्स गायब हो गए, नो नॉट एट ऑल। थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपके नर्व सेल डैमेज होना स्टार्ट हो सकता है। एंड द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज यूजुअली ओनली स्टार्ट टू डेवलप व्हेन अराउंड 80% ऑफ द नर्व सेल्स इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा हैव बीन लॉस्ट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि न्यूरॉन डैमेज स्टार्ट हो गए हैं और आपको डोपामाइन की जो सिम्टम्स है वो दिखना स्टार्ट हो चुका है। नो, जब 80% ऑफ द न्यूरॉन ब्रेन में से चले जाएंगे डोपामाइन सिंथेसिस करने वाले, तब आपको वो सारे सिम्टम्स नजर आना स्टार्ट हो सकता है। सो दैट इज योर कॉजेस फॉर डोपामाइन डिफिशियंसी एंड इन शॉर्ट मैकेनिज्म। बट आपको पता है कि ये नर्व सेल्स डैमेज कैसे होते हैं, कि एग्जैक्टली क्या होता है वो डोपामाइन न्यूरॉन के साथ जिसकी वजह से वो पूरी तरह से डीजनरेट हो गए हैं। बट डोंट टेल एनीवन, आई एम अभी जॉक बताने जा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता है। एक्चुअली साइंटिस्ट इस चीज पे अभी भी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ पोटेंशियल कॉज नहीं मिला कि एग्जैक्टली पार्किंसन डिजीज क्यों हो रहा है। ओके, सो अभी तक हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं, मतलब एक प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि मे बी वो जेनेटिक कॉज हो सकता है, मे बी एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, बट एज सच उसके कुछ भी प्रूफ नहीं। तो ये था आपका डोपामाइन। तो अभी तो हमने बात की थी कि हाँ डोपामाइन की नॉर्मल लेवल क्या है, उसके बाद अगर उसकी डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा। अभी हम बात करेंगे डोपामाइन का हाइपर सीक्रेशन हुआ तो क्या होगा। अभी मैंने एक चीज कही थी ना प्लेजर के बारे में नॉर्मल फंक्शन में, अभी यहाँ पे वो आने वाली है, दैट इज एडिक्शन। अभी आप देखो डोपामाइन अगर आपको कुछ अच्छी फीलिंग दे रहा है तो क्या होगा आपके साथ, आप उस चीज के और खींचे चले जाओगे। एग्जाम्पल विनर विनर चिकन डिनर, पता ही है आप तो बहुत। अभी मैं अगर पोलिंग ले लू कितने बच्चे ये पबजी खेलते हैं, तो 71 है। ओके, उसमें से अगर 50 बॉयज होंगे तो 40 अभी ऐसे बॉयज है जिनके मोबाइल में अभी भी पबजी गेम डाउनलोडेड है। लेकिन ये क्यों हो रहा है आपके साथ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप एडिक्टेड हो, ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप उसकी ओर अट्रैक्ट क्यों हो चुके हो, क्योंकि डोपामाइन की लेवल आपकी ब्रेन में ऑलरेडी जितनी थी उससे ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप उस चीज की ओर, आपको मजा आ रहा है। पहली चीज, आपको मोटिवेशन मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, और कुछ ना कुछ ऐसे टास्क मिल रहे हैं कि नहीं मुझे तो आज वो टास्क कंप्लीट करना है। सो अल्टीमेटली ये जो हो रहा है किस वजह से हो रहा है, आपके डोपामाइन की लेवल बढ़ने की वजह से हो रहा है। दैट इज द, एंड ये क्रिएट करता है आपको, पहली तो चीज हैबिट में क्रिएट करता है, और हैबिट का कन्वर्जन होता है आपके एडिक्शन में। तो आपका डोपामाइन किस किस कंडीशन में बढ़ सकता है, एक है अल्कोहल कंजम्पशन, दूसरा है टी एंड कॉफी कंजम्पशन, देन निकोटीन कंजम्पशन एंड सेक्सुअल डिजायर। तो ये चीजें हैं जिसमें डोपामाइन की हाइपर सिक्रेशन होने की वजह से आदत
बढ़ सकती है. सो दीज आर दी इफेक्ट्स ऑफ डोपामाइन हाइपर सिक्रेशन. और निकोटीन का मैंने एक एग्जांपल भी आपको आई थिंक बताया था अल्कोहल चैप्टर में, कि निकोटीन जो पर्सन एडमिनिस्टर करता है उसके बॉडी में ऐसे क्या होता है कि वो उस चीज के लिए हैबिचुअल हो चुका है. उसके पीछे क्या रीजन था, वो डोपामाइन एंड सेरोटोनिन की लेवल ब्रेन में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मोर रिवॉर्ड मिलता है. और जितना रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा आप उस चीज की ओर ज्यादा खींचे चले जाओगे. ओके जस्ट वन मिनट. ओके देन उसके बाद क्या हो सकता है आपके साथ, मैनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर. अगर डोपामाइन का हाइपर सिक्रीशन हुआ तो जब हम मैनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर को अलग से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके चैप्टर का एक सेक्शन है एंटी मैनिक ड्रग्स, तब ये स्लाइड हमें काम में आने वाली है कि मैनिया एक्चुअली हो क्यों रहा है डोपामाइन का हाइपर सिक्रीशन में, हाइपर सिक्रीशन होने की वजह से. बट एक्चुअली मैनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर इज देयर एनी प्रॉब्लम. So, ये मेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर एक्चुअली है क्या, दो ऐसे पीक्स होते हैं पर्सन के कि एक मोमेंट पे वो पर्सन बहुत हैप्पी होता है लेकिन दूसरे ही मोमेंट पे वो बहुत गुस्सेल बन जाता है. म्यूट ऑन. So, वहां पे क्या हो रहा है कि वो पर्सन पहले तो बहुत हैप्पी था, अभी उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि मतलब अंदर ही अंदर बाहर में कि वो पूरी तरह से गुस्सेल बन गया, उसको गुस्सा आया, मारपीट करने लगा. तो ये चीजें होती है बाइपोलर डिसऑर्डर में. आपको इसका मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा, है एक मूवी का है सीन जिसमें मैनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर से वो पर्सन सफर होता है. चलो नेक्स्ट. हैलुसिनेशन. डोपामाइन हाइपर सिक्रीशन के बाद जो चीज हो सकती है वो है हैलुसिनेशन. कोई बता सकता है व्हाट इज हैलुसिनेशंस? एनीबॉडी? स्लाइड पे तो क्लियर कट दिख रहा है. सर आपण जो विचार करतो तसंच आपल्याला समोरचा माणूस दिसतो. एक्झॅक्टली. बट आपके साथ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप रियलिटी एंड इमेजिनेशन इन दोनों के बीच बीच की जो बाउंड्री है उसको ही हटा देते हो, और जो चीज आप दिमाग में सोच रहे हो वो आपका ब्रेन एक्चुअल में आपको दिखा देता है, लेकिन बाजू वाले जो पर्सन आपके आसपास है उनको वो चीज नहीं दिखती. तो आपको क्या कंसिडर करेंगे, क्या पागल इंसान है. जैसे कि आपका मुन्ना भाई एमबीबीएस में, सर ये कौन सा मूवी था, लगे रहो मुन्ना भाई आ रहे, उसमें हुआ था. चलो नेक्स्ट. व्हाट आर एक्चुअली सिम्टम्स ऑफ हैलुसिनेशन. हैलुसिनेशन में क्या क्या होता है, आपको कुछ आवाजें सुनाई देती है, कुछ दिखाई देता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है किसी ने हमें टच किया है. ऑल्फैक्टरी इम्पल्सेस. हमारे आसपास कुछ है नहीं खाने पीने की चीजें, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ तो स्मेल हो रहा है. एंड गस्टैटोटरी. गस्टैटोटरी का मीनिंग है कि ये बहुत रेयर सिम्टम है कि आपने खाया तो कुछ नहीं है फिर भी आपको मुंह में कुछ ना कुछ टेस्ट महसूस हो रही है. तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हैलुसिनेशन. हैलुसिनेशन हम सिज़ोफ्रेनिया में ये स्लाइड डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली है क्या. देन डोपामाइन के हाइपर सिक्रीशन की वजह से आपको सिज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, और ये हम एग्जैक्टली सेपरेट सेक्शन में देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से ही हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, दैट इज योर एंटी साइकोटिक ड्रग्स. अभी तक तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि एग्जैक्टली ये चीजें है क्या. कि हम साइकोसिस की बात करेंगे तब अभी तक जो मैंने कवर किया है वो सारी चीजें कंपाइल होकर एक ही स्लाइड में आने वाली है. तो दिस सेक्शन वी विल डिस्कस लेटर. बट याद रखना है डोपामाइन के ज्यादा सिक्रीशन होने की वजह से आपको सिज़ोफ्रेनिया हो सकता है, लेकिन वो क्या है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर इज नॉरएपिनेफ्रिन एंड इपिनेफ्रिन. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, कोई बता पाएगा? Anybody? What is the difference? अच्छा दूसरा ऑप्शन दे दू क्या, norepinephrine और epinephrine को ही हम adrenaline और noradrenaline कहते हैं? बोलो.
यस ओके, कंफ्यूजन था ना। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को ही हम नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन कहते हैं। अभी पहले वाली जो स्लाइड थी तब हमने क्या डिस्कस किया, उसका सिंथेसिस पाथवे क्या है। अभी हम डिस्कस करेंगे उसका स्टोरेज साइट क्या होगा, उसके फंक्शंस क्या है। स्टोरेज साइट क्या है? एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स एंड एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे होती है? टॉप ऑफ द किडनी। ओके, देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन? टुगेदर विद एड्रेनालिन नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीजेस हार्ट रेट, ब्लड पंपिंग, पुपिल डायलेशन। इट ऑल्सो इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर and helps to break down your food nutrients into simple ones to generate sugar molecules. मतलब आपको वहाँ पे क्या करना है? Energy चाहिए, तो आपको energy कौन provide कर सकता है? आपका adrenaline and noradrenaline आपको मदद कर सकता है। जहाँ पे आपकी energy ज़्यादा होती है, आपका mood fresh रहता है। Energy कम होगी तो क्या होगा? आप depressed हो जाओगे। मतलब इस चीज़ को आप correlate कर सकते हो कि norepinephrine, epinephrine की level भी मेरे mood को control कर सकती है। As well as in the brain, norepinephrine play a role in sleep wake cycle. So कब सोना है, कब उठना है, ये सारी चीजें norepinephrine भी control कर सकता है. Then helping you in increasing attention and focusing on performing a particular task, memory storage. तो इसके साथ emotions, मतलब आपके जो psychological behavior है with respect to your learning, your emotions, तो वहाँ पे भी आपका norepinephrine, epinephrine Am I audible? Yes, sir. Okay. Chalo, continue. So last slide में हमने क्या देखा कि हाँ, आपका norepinephrine आपको psychological behavior maintain करने के लिए मदद कर रहा है। लेकिन अगर इसका hypersecretion हुआ तो आपके साथ क्या होगा? Anxiety होगी। उसके साथ कोरिलेटेड क्या है? एक्सेस स्वेटिंग होगी एंड पाल्पिटेशन होगा। पाल्पिटेशन माने क्या? व्हाट इज पाल्पिटेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाल्पिटेशन? इरेगुलर हार्ट बीट्स, जहां पे हार्ट बीट्स आपके हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट क्वेश्चन इज हाउ दिस हैपेंस, कि ये होता कैसे है? Now you can tell to anyone, don't worry, इसके पीछे reason है। तो हमने क्या किया? बात कर रहे थे hyper secretion किया, norepinephrine का hyper secretion, secretion बढ़ रहा है। तो ये क्यों बढ़ रहा है? Due to adrenal tumor, आपकी जो adrenal gland है, वो कहाँ पे present है? आपके top of the kidney। तो due to some genetic, मतलब ये genetic ऐसी condition है कि जहाँ पे आपके adrenal gland में tumor form हो जाती है, जो स्पेसिफिकली एड्रेनालिन को रिलीज कर रही है। मतलब आपकी एड्रेनल ग्लैंड खुद एड्रेनालिन रिलीज कर रही है, उसके साथ वो जो ट्यूमर नहीं बनी है वो एक्सेस अमाउंट में एड्रेनालिन रिलीज कर रही है, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, जहाँ पे आपको हाइपर सिक्रीशन एसोसिएटेड एंजाइटी हो रही है। तो ये जो कंडीशन है जिसको हम कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा, कि जहाँ पे आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है ड्यू टू एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एड्रेनालिन, बट ये हो क्यों रहा था? ड्यू टू
योर एड्रेनल ट्यूमर, और ये पूरे कंडीशन को हम कहेंगे फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। सो ये था एक्सप्लेनेशन अबाउट हाइपर सिक्रेशन ऑफ योर एड्रेनालिन, ये होता कैसे। सेकेंड वन इज हाइपोसिक्रीशन। अगर आपको हाइपोसिक्रीशन हो गया, मतलब कुछ वजह से आपकी एड्रेनल ग्लैंड ने काम करना बंद कर दिया, कुछ वहां पे प्रॉब्लम हो गई, तो आपको क्या हो सकता है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन प्राइमरी सिम्टम्स, अलॉन्ग विद दैट चेंज इन ब्लड प्रेशर, चेंज इन हार्ट रेट, लो ब्लड शुगर, हाइपोग्लाइसेमिया, माइग्रेन हेडेक्स, प्रॉब्लम्स इन स्लीपिंग, तो ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है। आप कैसे करना बताएं, नॉर्मल फंक्शन को पढ़ लेना है पहले, और उसके बाद अगर मेरा एड्रेनालिन बढ़ गया तो क्या होगा, अगर मेरा एड्रेनालिन कम हो गया तो क्या होगा, जो नॉर्मल फंक्शन है ना उसके ही रिस्पेक्टिव कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट मिलने वाला है, तो ये चीजें ध्यान में रखने के लिए ऐसे आसान हो जाएगी। चलो, बट क्वेश्चन इज कि एग्जैक्टली वो हाइपोसिक्रेशन हुआ क्या, मतलब इफिनेफ्रिन में इतना क्या चेंजेस आ गया है उसमें कि उसका सिक्रेशन कम हो गया, तो उसके पीछे रीजन है रेयर जेनेटिक कंडीशन कॉल्ड एज डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। मतलब एक एंजाइम है जो हमने पहली वाली रिएक्शन देखी थी जहां पे आपके नॉरएफिनेफ्रिन इफिनेफ्रिन का कन्वर्जन होता है, तो वो एंजाइम अगर डेफिशिएंट हो गया, वो एंजाइम आपके बॉडी में बना ही नहीं, तो क्या होगा, आपकी बॉडी इफिशियंट अमाउंट में एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन नहीं बना पाएगी, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि आपको हाइपोसिक्रीशन क्यों होता है। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर नॉरएफिनेफ्रिन हाइपोसिक्रीशन। एंड लास्ट वन इज योर सेरोटोनिन, व्हिच इज आल्सो नोन एज 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, शॉर्ट फॉर्म है 5-HT। याद है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर में एक रिसेप्टर की बात की थी मैंने, 5-HT3 आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर, लेकिन 5-HT के जो भी रिसेप्टर है उसमें सिर्फ एक रिसेप्टर आयनोट्रॉपिक है, बाकी सारे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। सो दे आर प्रिंसिपली फाउंड, ओके, सो सेरोटोनिन इज प्रिंसिपली फाउंड स्टोर्ड इन 3 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स, तीन सेल्स में प्रेजेंट हो सकता है। एक है आपका सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स इन CNS, देन इंटेस्टिनल मायेंटेरिक प्लेक्सस। इंटेस्टिनल मायेंटेरिक प्लेक्सस क्या होता है पहले जान लो। देखो आपका जो इंटेस्टिन है और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसका कंट्रोल ब्रेन के हाथ में है, लेकिन क्या ब्रेन ऊपर से कंट्रोल करेगा, नो, वो क्या करेगा, नर्व भेजेगा। नर्व माने क्या, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। अभी ये जो बंडल ऑफ न्यूरॉन्स है आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को पूरी तरह से घेर लेंगे, कि वहां पे कनेक्शन बना लेंगे विद योर ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। सो इसको हम कहते हैं न्यूरॉन कंट्रोलिंग गैस्ट्रिक मोटिलिटी। ये जो आपका न्यूरल पाथवे है थ्रू आउट योर GI ट्रैक्ट, इसको हम कहेंगे कि इंटेस्टिनल मायेंटेरिक प्लेक्सस व्हिच हेल्प्स टू कंट्रोल योर गैस्ट्रिक मोटिलिटी। तो आपका सेरोटोनिन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, एक है आपका CNS, दूसरा है इंटेस्टिनल मायेंटेरिक प्लेक्सस, दैट इज नर्वस सिस्टम व्हिच इज एसोसिएटेड विद योर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो ये हुई पहली स्टोरेज लोकेशन। दूसरी है एंटेरोक्रोमैटिन सेल्स इन द म्यूकोसा ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। हमने एंटासिड्स में देखा था कि एंटेरोक्रोमैटिन सेल्स हिस्टामिन रिलीज करती है, हिस्टामिन से होता है एसिड प्रोडक्शन, प्लस हिस्टामिन सॉरी आपकी जो सेरोटोनिन है वो आपके एंटेरोक्रोमैटिन सेल्स से भी सिक्रेट होता है। मतलब आप कह सकते हो एंटेरोक्रोमैटिन सेल्स दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर सकता है, एक आपका हिस्टामिन है, दूसरा आपका सेरोटोनिन, और तीसरी साइट ऑफ स्टोरेज है इसका इन ब्लड प्लेटलेट्स। अभी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम GPAT में हो चुका है, पॉइंट मार्क कर लो कि सेरोटोनिन का एक साइट ऑफ स्टोरेज कहाँ पे हो सकता है, आपके ब्लड प्लेटलेट्स में हो सकता है। तो आपको अभी इतनी चीज पता चली कि एग्जैक्टली सेरोटोनिन कहाँ पे स्टोर होता है, फाइन, लेकिन इसका सिंथेसिस क्या है, तो इसका सिर्फ वन लाइन सिंथेसिस देख लो, हम पूरा मैकेनिज्म नहीं देखेंगे। द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन बायोकेमिकल एक ओके लेट्स कंटिन्यू द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन सेरोटोनिन सिंथेसिस इज L-tryptophan व्हिच इज एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ L इन L-tryptophan? What is the meaning of L in L-tryptophan? Basic organic chemistry.
चलो स्टीरियो केमिस्ट्री, और भी मैं एक हिंट दे देता हूँ, स्टीरियो केमिस्ट्री याद करो, स्टीरियो ट्रिप्टोफैन, आवाज ब्रेक होता है, निखिल 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 आवाज ब्रेक होता है, असल चैट बॉक्स में टाइप करो, चैट बॉक्स में टाइप करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल इन एल ट्रिप्टोफैन, लीवो, ओके लीवो, ओके ओके लीवो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्टोफैन, यस यस आंसर इज करेक्ट, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीवो, चैट बॉक्स में जरा टाइप करना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लियो, इट रोटेट्स द ब्रेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट लेफ्ट, करेक्ट, सो जो कंपाउंड लेफ्ट साइड को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ट्रांसफर कर रहे हैं और रोटेट कर रहे हैं उनको हम कहेंगे लीवो रोटेटर, एंड अगर वो राइट साइड को रोटेट करेंगे तो उसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटर, एंड व्हाट इज पोलराइज्ड लाइट, एनीबॉडी नोस, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, Yes, sir. What is the meaning of plane polarized light? Sir, plane polarized light is whenever different rays are passed through the Nicol prism, all the rays are in the perpendicular in one direction. That is plane polarized light. Okay, good. मतलब आप ऐसे कहना चाहते हो कि आपकी जो normal light अभी घर पे चल रही है और sunrays से जो light हमारे तरफ आ रही है, all are polychromatic lights. मतलब उनकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में है, लेकिन ये लाइट जब प्रिज्म से पास होती है निकोल्स प्रिज्म स्पेसिफिकली, तो वहां पे क्या हो रहा है, जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक में टर्न हो रही है, मतलब एक ही डायरेक्शन में उसका वाइब्रेशन है, दैट इज योर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ओके कूल, तो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन है आपके सेरोटोनिन के लिए, आपका एल ट्रिप्टोफैन विच इज एरोमेटिक अमीनो एसिड, फाइन, तो सेरोटोनिन का स्टोरेज साइट हमें पता चल चुका है, उसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल पता चल चुका है, लेकिन उसका रोल क्या है बॉडी में वो हम देखेंगे, तो एक्चुअली उसका रोल है मूड स्टेबलाइजर, प्लेजर, एज वेल एज हेल्प इन स्लीपिंग, ईटिंग, डाइजेशन, रेगुलेट एंजाइटी एंड कंट्रोल बॉडी मूवमेंट, ये सारी चीजें तो हमें पता है कि ठीक है हमारा मूड स्टेबलाइज कर रहा है, हमारी मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए मदद कर रहा है, लेकिन अगर इसका इम्बैलेंस हो गया तो सिम्टम्स देख लो, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमेनिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ओबेसिटी, ईटिंग डिसऑर्डर, जो उसके इसेंशियल फंक्शन थे वो सारे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, अलॉन्ग विद दैट ऑब्सेशन, कंपल्शन, मसल पेन, क्रॉनिक पेन, माइग्रेन, हेड, मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर भी आपके पूरा जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है उसको कंट्रोल कर रहा है, तो इसका भी नॉर्मल लेवल मेंटेन होना जरूरी होता है, ठीक है, तो अगर उसका हाइपर सिक्रेशन हुआ तो क्या होगा, सेरोटोनिन सिंड्रोम होगा, जिसके क्या सिम्टम्स है, शिवरिंग, डायरिया, मसल रिजिडिटी, फीवर एंड सीजर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू जीपैक एज वेल एज रेगुलर थियरी, सो कंक्लूजन में हम एक ही बात कहेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेट्स योर मेंटल हेल्थ, अगर वो बैलेंस है तो ठीक है, अगर इनबैलेंस है तो आपको मेंटल डिसऑर्डर होने से कोई नहीं बचा सकता, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ टुडेस प्रेजेंटेशन, थैंक यू, किसी को कुछ डाउट है, आज हमारे पास टाइम कम है, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो, या जैसे छोटा सा रिकैप चाहिए हमने क्या पढ़ा पूरे स्लाइड में दो दिन में, ओवरऑल कंफ्यूजन, यस सर, ओके चलो एक मिनट स्क्रीनशॉट लेता हूँ, एक ही मिनट में कंफ्यूजन बोलता हूँ, तो आज के प्रेजेंटेशन का कंक्लूजन ये था कि हमारे बॉडी में जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है उनका काम है इंपल्स कैरी यहाँ से वहां भेजना, यहाँ से वहां माने क्या, जहाँ पे पॉइंट ऑफ आपका सेंसेशन है वहां से आपके ब्रेन का, फाइन,
लेकिन ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे इंपल्स कंडक्शन का काम कर रहे हैं, वैसे वो आपके रेगुलर बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम भी कर रहे हैं। अगर उनकी लेवल मेंटेन है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर्स प्रोपोर्शन देन ओके, बट अगर उनकी लेवल मेंटेन नहीं है तो आपके साथ ये चीजें हो सकती है जो आपको स्लाइड पे दिख रहा है। मतलब आप कभी सैड हो, कभी गुस्सा कर रहे हो, कभी फियर है आपको, कभी कुछ चीजें दिख रही है, कभी आप रो रहे हो, कभी भी हंस रहे हो, देर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन योर रेगुलर बिहेवियर एंड योर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि एंटी साइकोटिक ड्रग डिस्कस करने से पहले बिहेवियर को जानना था कि वो न्यूरोट्रांसमीटर से कैसे कनेक्टेड है। कल जब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे कि साइकोसिस में एग्जैक्टली कैसे होता है। तो मिलते हैं हम कल लेक्चर में, ठीक है, कल के लेक्चर में। सॉरी, तो हम यहाँ पे आज का लेक्चर कंक्लूड कर देते हैं। थैंक यू ऑल, पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Thank you, sir. Welcome.